तो फ्रेंड एक बार देखने की कोशिश करेंगे हम लोग द्विबीजपत्री के बारे में, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलेडोन आपका वर्क करता है। इस पे मैंने आपके लिए हेलो एक फ्रेंड्स, चैनल, वेलकम बैक वंस अगेन, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास, या हम सीधा शब्दों में कह लें, भ्रूण का विकास का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो घटना होगी वह निषेचन पश्च घटना होगी, निषेचन पश्च घटनाएं होंगी, क्लियर है? अर्थात कि निषेचन की बाद की घटना। भ्रूण का विकास होगा या भ्रूण के विकास का भी आपका दो कंडीशन है। कितने कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक तो होता है आपका द्विबीजपत्री, एक क्या होता है आपका द्विबीजपत्री, और एक होता है आपका एक बीजपत्री, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोनोडाइकोटिलेडोन्स, और दूसरा होता है आपका डाइकोटिलेडोन्स, राइट? ये क्या होते हैं कि मोनो आपका डाइकोटिलेडोन, सॉरी मोनोकोटिलेडोन्स और डाइकोटिलेडोन्स दो आपके पार्ट होते हैं। एक तो फ्रेंड एक बार देखने की कोशिश करेंगे हम लोग द्विबीजपत्री के बारे में, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलेडोन आपका वर्क करता है। इस पे मैंने आपके लिए एक चना रखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोग को चना। अब इस चना को जानने की कोशिश करते हैं कि इस चना से हम कैसे आपका इसके अंदर ये डाइकोटिलेडोन फॉर्म में है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखिए, जब ये चना टूटता है तो जनरली क्या होता है, ये जब चना, ये देखिए चना टूट रहा है यहाँ पे, यह कंडीशन जो आपका होगा, यह चना का कैसा कंडीशन है, यह चना का कंडीशन जो है आपका, यह आपका है द्विबीजपत्री का कंडीशन। द्विबीजपत्री का कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि चना टूट गया दो बराबर भागों में, तो कंडीशन आपका यही होगा कि जब भी डाइकोटिलेडोन होगा दो अलग अलग बीज पत्रों का एक समूह होगा, तो उससे मिलकर आपका क्या बनेगा, आपका द्विबीजपत्री बनेगा। और एक दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एक बीजपत्री होगा, ठीक है, जो सिर्फ क्या होंगे, एक ही बीज का होगा आपका, जिसके अंदर उसको तोड़ने के बाद दो बराबर बीज आपको नहीं प्राप्त होंगे। ये कंडीशन देखिए, दिख रहा होगा आपको, तो ये कंडीशन आपका जनरली क्या है, एक बीजपत्री का है, और ये चने का जो कंडीशन है द्विबीजपत्री का है। तो आपको दोनों से यह तुलना करना है क्या कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों के अंदर जो भ्रूण का निर्माण होता है वह किस रूप में होता है, हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से आपको दिखाएंगे आज कि दोनों के अंदर आखिर द्विबीजपत्री क्यों बनता है और ये एक बीजपत्री क्यों रह जाता है, ठीक है? इसके कंडीशन को, इसके अंदर भ्रूण की संरचना को जानेंगे। द्विबीजपत्री के अंदर जो आपका भ्रूण तैयार होता है वह किस रूप में तैयार होता है, मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कल ही कि इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक युग्मनज है, एक आपका ध्रुवीय केंद्रक होगा, दो कंडीशन होगा। अब जो दूसरा कंडीशन इसमें है कि द्विबीजपत्री में जो भ्रूण बनेगा यह भ्रूण किससे बनेगा, तो यह आपका भ्रूण बनेगा, यह जो भ्रूण बनेगा यह बनेगा आपका युग्मनज से, किससे बनेगा, युग्मनज से। तो यहाँ पे दो कंडीशन था, एक युग्मनज था और दूसरा आपका प्राथमिक भ्रूणपोष था। मैंने बताया था कि प्राथमिक भ्रूणपोष सिर्फ पोषण देने का काम करेगा, और जो यहाँ पे युग्मनज है, यह युग्मनज ही क्या करेगा, यह युग्मनज ही आपका मुख्य रूप से भूमिका निभाएगा क्या, भ्रूण का। तो अब जरा सा देखिए फोटो के अंदर, यह जानने की कोशिश कीजिए कि इनके अंदर यह संरचना में किस रूप से परिवर्तन होगा। तो युग्मनज है, ये युग्मनज क्या होगा, यानी कि यह युग्मनज की जो एक कोशिका है, यह एक कोशिका है, ठीक है, यह आपका युग्मनज की कोशिका है, और यह आपका बीजांडकाय का कंडीशन है, और यह आपका युग्मनज है। अब क्या होगा, दूसरे कंडीशन में इनके अंदर विभाजन होगा, यानी कि युग्मनज हमारा विभाजित होगा, और विभाजित होने के बाद सेकेंड कंडीशन में आएगा कि यह दो भागों में बटेगा, एक भाग जो होगा चेलेजा की तरफ चला जाएगा, निभाग की तरफ। मैंने बताया था कि आपका बीजांडकाय के अंदर दो भाग होते हैं, एक भाग पीछे वाला होता है जिसके ऊपर आवरण होता है, ठीक है, इसे हम लोग चेलेजा कहते थे। क्या कहते थे इसे, चेलेजा कहते थे, हिंदी में इसे हम कहते थे क्या, निभाग। क्या कहते थे इसे, निभाग। और दूसरा भाग हमारा जो होता था, इस भाग को हम क्या कहते थे, बीजांड द्वार। क्या कहते थे, बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार है, तो उसी तरह से जब यह युग्मनज टूटेगा तो यह दो जो हिस्सा होगा
वह क्या करेगा? दो कंडीशन है, दो भागों में जाएगा, तो एक भाग निभाग की तरफ जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे सीबी। क्या कहेंगे इसे? सीबी, जिसका मतलब हुआ कि बेसिकल सेल। इसका मतलब क्या हो गया? बेसिकल सेल। इसका मतलब सीधा कह सकते हैं कि आधारभूत जो आपकी कोशिका है, आधारभूत जो आपका निर्माण करेगा आधार का, वह आपका कौन करेगा? सीबी। और दूसरा कंडीशन होता है आपका, यह कंडीशन जो होगा वह कहलाएगा सीए, यानी कि एपिकल सेल। कौन सा सेल? एपिकल सेल। तो अभी तक आपने क्लियर समझा कि युग्मनज पहले टूटेगा और टूटने के बाद दो भागों में बंटेगा, ठीक है? और एक भाग हमारा चैलेंजा निभाग की तरफ जाएगा और एक जाएगा बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है? जो आपका निभाग की तरफ गया है उससे हम लोग क्या कहेंगे? सीबी, अर्थात की बेसिकल सेल। और दूसरा हमारा जो आपका बीजांड द्वार की तरफ जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एपिकल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? एपिकल सेल। अब क्या कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा कि एपिकल सेल जो आपका बेसिकल सेल है वो सेम कंडीशन में रहेगा, लेकिन तीसरे कंडीशन में क्या होगा वो देखिए। तीसरे कंडीशन में आपका कि जो आपका यहाँ पे सीबी है, अर्थात कि बेसिकल जो सेल है वो सेम कंडीशन में रहेगा, लेकिन क्या है कि इसका एपिकल सेल जो है यह विभाजित होगा। यह क्या होगा? विभाजित होगा। और विभाजित होने के बाद नीचे आपका क्या करेगा? यह आपका वृद्धि करेगा, ठीक है? तो यह एक से दो कंडीशन में आएगा, दो कंडीशन में आएगा। अब क्या होगा कि चौथे आपका चौथा जो कंडीशन होगा, चौथा कंडीशन में फिर क्या होगा? हमारा जो यह सीबी था यह अपना सेम कंडीशन में रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो हमारा क्या था, सीए था, ये क्या करेगा? ये नीचे से टूटकर नीचे आपका चतुरांश बनाएगा, यह गोलाकार भाग बनाएगा और यह आपका चतुरांश बनाएगा, यानी चार भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बटेगा? टोटल चार भागों में यह बटेगा, ठीक है? तो इससे हम लोग कहेंगे चतुरांश। इसे क्या कहेंगे? चतुरांश भाग कहेंगे, यानी चार हिस्सों में बट गया। तो पहला कंडीशन था कि दो भागों में बटा, उसके बाद चतुरांश बना। अब क्या होगा कि चतुरांश फिर से विभाजन करेगा, चतुरांश का कंडीशन जो है फिर से विभाजन करेगा। और चतुरांश का कंडीशन जब विभाजित होगा तो सीबी अपने कंडीशन पे वैसे ही बना रहेगा, ठीक है? सीबी बना रहेगा, लेकिन यह जो चतुरांश है, यह चतुरांश जो है विभाजित होकर आपका दो लेयर बना लेगा। दो लेयर क्या बना लेगा? अंदर का ये चार भाग चतुरांश और इसके बाहर चार भाग, ठीक है? एक, दो, ये तीन और ये चार, ठीक है? ये कितने भाग बन गए? अब ये अष्टांश बन गया। कितने बन गए? अष्टांश बन गए। अब अष्टांश जैसे बनेगा तो यह जो बीजांडकाय का नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ बढ़ेगा और सीबी के भाग से क्या होगा, यहां पे एक लंबवत रूप में आकार बनना शुरू होगा। तो किस रूप में आकार बनेगा वो देखिए, ये आपका बीजांडकाय का हिस्सा हो गया। अब यहां से ऐसे लंबवत पकड़ेगा, ऐसे लंबवत, तो ये आपका क्या होगा? सीबी आपका ऐसे टूटेगा दो से चार, ठीक है? चार से आपका आठ इस कंडीशन में बढ़ेगा, ठीक है? और नीचे वाला जो आपका कितना था, चतुरांश था, सॉरी अष्टांश था, यह फिर बढ़ेगा आगे, फिर एक बार और विभाजित होगा और एक बार और विभाजित होकर क्या करेगा, यह बना लेगा क्या कहते हैं, 16 अंश में, ठीक है? ये कितने अंश हो जाएंगे? टोटल 16 अंश बन जाएंगे। क्लियर है यहां तक? आपका जो सीबी का कंडीशन है, सीबी का कंडीशन आपका एक से बढ़कर 6 से 10 के अंश में चला जाएगा, 6 से 10 कोशिका के रूप में चला जाएगा, ठीक है? यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब क्या होता है कि जब ये 16 अंश के कंडीशन में पहुंच जाता है तो इनका नीचे वाला जो गोलाकार हिस्सा है वह थोड़ा सा मुड़ना शुरू करता है, ठीक है? क्योंकि 16 अंश आने के बाद ही इनके अंदर भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण का निर्माण कितने अंश के आने के बाद होता है, या कितनी कोशिका के कंडीशन के बाद जो आपका भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा, 16 कोशिकाओं का जब समूह बनेगा, 16 कोशिकाओं के अंश पे आएगा, तब वो भ्रूण बनना तैयार होगा, ठीक है? तो 16 अंश में आपका क्या होगा, भ्रूण बनना तैयार हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब भ्रूण बनना तैयार होगा तो नीचे जो गोलाकार दिख रहा है आपका भाग, इसमें वेटेज बढ़ेगा, और जब वेट बढ़ेगा
तो क्या होगा, इसका आकार थोड़ा सा आपका झुकेगा, और झुकने के बाद क्या करेगा कि यह जो आकार बनाएगा यह बना लेगा हार्ट के आकार का, यानी कि हृदय के आकार का, इस रूप में आपका आकार बना लेगा। ठीक है, यह सेम ऐसा ही कंडीशन बनाएगा जैसा आपको इसमें दिख रहा है। देखिए ध्यान से, एक बार और ध्यान से देखिए, यह जिस रूप में आपको यहां पे चना में दिख रहा है, आपको ध्यान से देखिए, ये चना में जिस रूप में आपका दिख रहा है कि ये वाला भाग यहां से नीचे से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा देखिए आपको जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा दोनों तरफ ये फैला हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से यह अंश है, यह आपका कंडीशन है। देखिए जरा, देखने की और समझने की कोशिश कीजिए कि सेम कंडीशन यहां पे चना का ही है। चना का क्या है कि चना का नीचे वाला हिस्सा आपका जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा फैला हुआ है। तो सेम कंडीशन इसके अंदर भी होगा। ठीक है, सेम कंडीशन होने के बाद क्या होगा कि इसी के अंदर से क्या होगा कि बीजांड वृंत का आपका, सॉरी, आपका मूलांकुर यहां से निकलेगा, शुरू होगा। ठीक है, और एक साइड से आपका क्या निकलेगा, आपका ये वाला हिस्सा जो होगा इस वाले हिस्से से, इससे निकलेगा पराङ्कुर, यानी टोटल कितने अंकुरण इसमें से निकलेंगे, दो। एक कहलाएगा आपका मूलांकुर और दूसरा कहलाएगा पराङ्कुर। एक निकलेगा आपका मूलांकुर और एक क्या निकलेगा आपका, पराङ्कुर। ठीक है, तो मूलांकुर और पराङ्कुर दो निकलेंगे। तो मूलांकुर से क्या होगा कि जड़ें विकसित होंगी, और पराङ्कुर से हमारा पड़ो अर्थात कि तना विकसित होगा। तो ये आपका हॉट का सेप का हो गया। हॉट के सेप में आपका मूलांकुर का हिस्सा अंदर धीरे धीरे आपका वृद्धि करेगा, और धीरे धीरे वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, धीरे धीरे जब वृद्धि कर जाएगा, तो वृद्धि करने के बाद यह दो हिस्सों में पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है कि इसका नीचे वाला जो हिस्सा है, जहां पे आपका मूलांकुर का हिस्सा है, वहां से यह अटैच रहेगा, ऊपर के हिस्सा से यह फैला हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से यह बिल्कुल फैला हुआ हो है, लेकिन क्या है, नीचे से आपकी जो निकली हुई आपका अंश होता है, या निकला हुआ जो भाग रहता है, जो ये भाग आपको दिखता है, ये वाला, ठीक है, निकला हुआ भाग, इस वाले हिस्से में क्या होता है कि नीचे से जुड़ा हुआ आता है, जहां से आपका मूलांकुरण निकलता है। ठीक है, तो यह कंडीशन आपका जो बनता है, यह कंप्लीट भ्रूण का कंडीशन होता है, जिनसे क्या होगा, भ्रूण आपका निकलेगा। तो यह जो कंडीशन दो बराबर भागों में बट गया है, अब दो बराबर भागों में बटा है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री या डाई कैटिलेडोन, क्योंकि इसमें बीज पत्र का दो हिस्सा दो बराबर भागों में बटा है, और दो अंश के आपका जुड़ने से एक पूरा बीज तैयार हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। क्लियर है, यही सेम कंडीशन आपका एक बीज पत्री के अंदर भी होता है, लेकिन उनके अंदर आपका 16 अंश के रूप में जाने के बाद इस तरह से मुड़ता नहीं, आपका हर्ट का सैप नहीं बनाता है, वह एक ही वृंत के रूप में रहता है, और एक ही वृंत के रूप में वह विकास करता है। तो जब एक ही वृंत के रूप में विकास करेगा, एक ही बीज वृंत बनेगा उसके अंदर, तो वह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, एक बीज पत्री का कंडीशन। और जब इस रूप में आपका आपका 16 स्टेज में जाने के बाद, 16वें स्टेज में जब भ्रूण बनेगा, हार्ट के सब में जाएगा, और दो भाग और भागों में बटने वाला होगा, तो वह कंडीशन हमारा कैसा होगा, द्विबीजपत्री का कंडीशन होगा। क्लियर है सबको, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर भ्रूण का विकास कैसे होता है, आशा क्लियर हो गया।